साथियों, आपको डॉक्टर एकांत का नमस्कार। आजकल भुजंगासन की चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही है कि भुजंगासन करने से हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है ब्लड का, और यहाँ तक कि डॉक्टर्स आईसीयू में भुजंगासन को करा रहे हैं। मेरे कुछ मित्रों का फोन आया कि भुजंगासन का सही तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि सही तरीके से आप नहीं करेंगे तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले पेट के ऊपर लेट जाते हैं, प्रॉन पोजिशन में ठोड़ी को जमीन से लगाते हैं, हाथों को कंधों के नीचे, सांस को अंदर भर के धीरे धीरे आपको ऊपर उठना होता है, सांस को अंदर भर के ऊपर उठना होता है, और यहां से जो ये वाला पार्ट है इसको छाती वाले पार्ट को पीछे मोड़ना होता है। इस तरह से ऐसे मोड़ते हुए पीछे ले जाते हैं। जब तक छाती वाला पार्ट नहीं मुड़ेगा तब तक उतना लाभ नहीं मिलेगा। और इस पोजिशन में आने के बाद सांस को लंबा गहरा लेते हैं। इसका मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ये रहेगा कि साइड में हम पीछे एडी को देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जब लेफ्ट साइड को बोल रहा हूं, पीछे देख रहा हूं, तो मेरे लेफ्ट हाथ पे दबाव पड़ रहा है और राइट पे कम दबाव पड़ रहा है, तो इसमें एक फेफड़ा खुलता है और एक फेफड़ा थोड़ा सा कम काम करता है, ये और अधिक लाभ करता है। दूसरी ओर देखते हैं इस तरह से, तो ऊपर की तरफ आकाश की तरफ देख के लगातार सांस को लंबा गहरा लेते छोड़ते हैं, तो हमें ये लाभ करता है सांस के ऑक्सीजन के लेवल के लेने पे बढ़ने पे, ये हमारे लाभकारी होता है। और ये क्यों इतना लाभकारी है इसका विषय इसके विषय में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।